सौतेली हो मानता। मुझे अब तुम्हारी किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। तुम मेरी जिंदगी बहुत बर्बाद कर चुकी हो और मैं तुम्हें मजीद अब तमाशा देखने नहीं दूंगी। मेरी बात सुने ऐसे अली जी। रखो कुरान पाक पर हाथ और खाओ कसम कि मनाइल तुम्हारी और उस बादशाह की बेटी नहीं है। सोफिया, किस चीज का इंतजार है? तू अगर थाम ले खुदा ये घुटन ये दुख ये कला, मैं कभी पास आने न दूं चाहे सांसे। मनाइल मेरी बेटी है, चाहे सौतेली हो ममता। जिंदगी दूर जाने ना, जिंदगी दूर जाने ना। जी अफ्ताब साहब। जी मैंने आपकी मेल्स चेक कर ली थी, इंशाल्लाह मैं आपको एक दो दिन में फीडबैक देता हूँ। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। क्या हुआ सोफिया, तुम इस तरह भागते हो, क्यों आ रही हो? सब ठीक तो है ना? वो अली से घर छोड़ के चली गई है। What? ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ। अब वो मुझे कह कर गई है कि वो हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही है। कैसे चलेगी, कहाँ चलेगी? तुमने उससे कुछ पूछा नहीं? मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो रुकी ही नहीं। सोफिया तुम्हें उससे इस तरह नहीं जाने देना चाहिए था। तुम एटलीस्ट मुझे बताए थी या किसी मुलाजमा को कह के मुझे बुला ही लेती। तुमने उसे जाने क्यों दिया? नहीं, मुझे आपको बुलाने का मौका ही नहीं मिला, वो इतनी जल्दी चली गई, मैं क्या करती? हद होती है लापरवाही की सोफिया। तुम जानती थी कि वो तुम्हारे कहने पर कभी नहीं रुकेगी, तुमने कैसे जाने दिया उसे? अब हटो मेरे आगे से। अलीजे, 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 क्या बात है? ये क्या बेवकूफी है? तुम घर छोड़कर आ गई हो? कोई ऐसे अपना घर छोड़ता है क्या? कौन सा घर? वो घर, वो तुम्हारा और तुम्हारी उस दूसरी बीवी का है। जाओ जाके खुश रहो उसमें सोफिया के साथ। अलीजे तुम ठीक कह रही हो, सोफिया मेरी बीवी है, मगर तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी मोहब्बत हो, मेरी जिंदगी हो, मेरा सब कुछ हो तुम। अब तुम मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते मुझे। काश मैं तुम्हें बता सकता कि मेरे दिल में क्या है। बस कर दो मास, और कितना बेवकूफ बनाओगे मुझे? अलीजे पागल मत बनो, घर चलो। छोड़ो मेरा बैग, कहीं नहीं जाना मुझे। कहाँ जाओगी तुम? तुम्हारे अलावा भी मेरा कोई दुनिया में है, मैं अपने भाई के पास चली जाऊंगी। अलीजे उन्हें क्यों परेशान करना है? तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अगर तुम मुझसे वाकई सच्ची मोहब्बत करते ना तो मुझे सच बताते। तुम मुझे बताते कि मनाइल मेरी नहीं, उस सोफिया की बेटी है। तुम इतना सा मुझे अंधेरे में नहीं रखते। अगर तुम्हें ये सब बताया तब तुम जिंदा ना रहती। तो अपने दिल से पूछो, क्या तुम ये हकीकत सह पाती? क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकती कि मनाहिल तुम्हारी नहीं किसी और की बेटी है और तुमने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया? नहीं अलीजा, तुम ये कभी ना सह पाती। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती। अलीजा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्लीज घर चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ घर चलने को तैयार हूँ, मगर मगर क्या बताओ मुझे? मगर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। अलीजे तुम जो कहोगी जैसा कहोगी मैं मानूंगा, लेकिन प्लीज प्लीज मेरे साथ घर चलो। ये अपना बैग पकड़ो, चलो मेरे साथ।
अलीजे आओ प्लीज। जल्दी करा, देख के करा, सीधी करा, जल्दी जल्दी करा। अभी रुक बेटा, मैं तेरे को आउट करता हूँ। देख कैसा छक्का मारता हूँ मैं। अबे यार जल्दी दे, जल्दी दे, जल्दी करा। अब तो तू बेटा पक्का आउट होएगा। जल्दी करा। अबे यार आउट है। चल अली, अब मेरी बैटिंग है। अबे मैं आउट नहीं हुआ, नो बॉल थी। अबे अभी तो आउट हुआ, बॉल तेरी विकेट पर लगी थी। जब मैंने कह दिया मैं आउट नहीं हुआ तो बस नहीं हुआ, जाकर शराफत से बॉलिंग करा वरना एक लगाऊंगा। अली अब मैं तेरे साथ कभी नहीं खेलूंगा। नहीं खेलेगा? नहीं खेलूंगा। पक्का? हाँ। ने मेरा सर फाड़ दिया। वाह मेरे शेर वाह, क्या काम कर दिया तूने। आज तूने साबित कर दिया कि तू बादशाह का बेटा है। अबू वो कह रहा था मैं आइंदा तेरे साथ कभी नहीं खेलूंगा, तो मैंने उसका सर फाड़ दिया। बिल्कुल ठीक किया। अब तूने उसे एक बार मार दिया ना, अब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, अब वो तुझे कभी इनकार नहीं करेगा। सच अबू? और क्या। अरे दुनिया हम जैसों से डरती है, जीना है तो डरा के जियो, क्या कहता है। आवाश, आज तूने अपने बाप का नाम रोशन कर दिया है। इसी खुशी में तुझे होटल की अच्छी सी चाय पिलाता हूँ, ठीक है? आ जा, ये दे मुझे। जा। अलीजे प्लीज अंदर आओ। तुम रिलैक्स करो। अच्छा ये बताओ कॉफ़ी पियोगी या कुछ खाना है? मुझे कुछ नहीं खाना पीना, लेकिन तुम मेरी बात गौर से सुनो। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा, मैंने वादा किया ना तुमसे। तुम सोफिया से कोई रिश्ता नहीं रखोगे, ना ही उससे बात करोगे और ना ही उससे करीब जाओगे। तुम्हारा सोफिया से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है, तुम कहोगी तो मैं सोफिया की तरफ देखूंगा भी नहीं। सोच लो, कहीं ऐसा ना हो अपनी बात पर कायम रहना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए। जो हुक्म मेरे दिल की मलका, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। तुम्हारा हुक्म सरांखों पर। तुम कभी नहीं बदलोगे ना? और तुम भी कभी मत बदलना, हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना। मैं नहीं चाहता तुम उससे दूर। अच्छा ये बताओ कॉफी पियोगी? मास, ये बात जहन में रखना, मैं बार बार गलती माफ करने वालों में से नहीं हूं। अलीजे, मैं समझ सकती हूँ तुम किस तकलीफ और दर्द से गुजर रही हो। तो अभी मैं क्या करूँ, मैं खुद को मुनाइल की यादों से नहीं निकाल पा रही। मैं खुद को ये नहीं समझा पा रही कि मुनाइल मेरी नहीं उस सोफिया की बेटी है। अलीजे ये एक हकीकत है,
इसे कोई झुटला नहीं सकता, और तुम्हारे लिए भी बेहतर है कि तुम उस बच्ची की यादों को अपने दिमाग से निकाल दो। दिखाओ, मैं ये तस्वीर डिलीट करूं। नहीं भाभी, अब तो होश से काम लो अलीजे। इतना बुरा किया है तुम्हारे साथ सोफिया ने, फिर भी तुम उसकी बच्ची की तस्वीरों को सीने से लगा के बैठी हुई हो। भाभी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। ठीक है लीजा, मैंने तो तुम्हें पहले भी समझाया था और अब भी समझा रही हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। Yeah.
जिंदगी दूर जाने ना दूर, जिंदगी दूर जाने ना दूर, जिंदगी दूर जाने ना दूर, ना है, ना है, मेरे बच्चे, ना है कहाँ गए? क्या थी? इधर ही थी ना मेरे पास, कहाँ गई मास? यही थी, ना है? अभी तो यही थी ना मेरे पास, सो रही थी मना है। लीजे संभालो खुद को। छोड़ कर आई थी उसको सोफिया के पास। तुम्हारे लिए पानी जिंदगी दूर जाने ना दूर, जिंदगी दूर जाने ना दूर, जिंदगी दूर जाने ना आप आ गए? आज आप काफी थके भी लग रहे हैं। हाँ यार, थक गया। मैं ऐसा करती हूँ, आपके लिए कॉफी बना लेती हूँ। नहीं, रहने दो, मूड नहीं हो रहा। अच्छा, वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। आप शायद भूल गए हैं, आज हमने डॉक्टर के पास जाना था। मैं तो भूल गया। अच्छा तुम एक काम करो, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, मैं उसे कह देता हूँ। ड्राइवर के साथ? मास, मुझसे कोई गलती हो गई है? आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये रही तुम्हारी कॉफी। मोहब्बत अगर सामने रहकर भी आपकी नजरों से दूर हो तो तकलीफ नहीं होती, बल्कि इंसान तड़प उठता है। इसलिए आप मुझे छोड़ दें। चाहे सौतेली हो मानता।